इस तरीका से अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सेट है जो कि इसका फोर कलर निकलेगा। हाय फ्रेंड्स, एक और बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बुक अरेंजिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो कि आप लोग का जो कि काफी डाउट है जो कि क्लियर होने वाला है कि हम लोग A4 बुक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो कि 28 पेज का जो कि बुक है, यानी 28 पेज का एक बुक है, तो इसमें जो कि कुछ प्रॉब्लम है इस इशू पे जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये है जो कि 28 पेज का बुक है, उसमें से जो कि इसमें जो कि 4 पेज है जो कि मल्टी कलर है, तो इसको किस तरीका से जो कि अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें अरेंज करते हैं तो इसमें जो कि क्या क्या चीजों की बारीकी आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो कि आप कितना जो कि कॉस्ट बचा सकते हैं। उसके अलावा जो कि अगर आप अरेंज करते हैं, बुक बनता है या बुक प्रिंट होता है, तो बुक प्रिंट करने में कितना प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, या इसको में जो कि कितना सेट प्लेट लगेगा, मल्टी कलर कितना सेट लगेगा, सिंगल कलर कितना सेट लगेगा, क्या ये सेंटर स्टिच से हो जाएगा, क्या ये साइड स्टिच से होगा, ये सब पे जो कि आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और आगे जो कि हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो कि ये प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते कंप्यूटर से। अब ये बुक है जो कि देखिए इस फॉर्मेट में इस तरीके से पार्टी हमको कर करके दिए है, ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट वगैरह मिलाए हैं, बाकी सब मिलाए हैं, और इसको जो कि फाइनल ये सब जो है ये सब मिला करके हम लोग ऊपर किए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फाइनल जॉब इस तरीका से बना है, देखिए, ठीक है। तो ये नीचे से हम जगह दिए हैं, ऊपर से जगह दिए हैं, सब ये बुक है जो कि हम लोग यहाँ पे पीएस बनाने के तैयार कर लिए हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए ये टोटल है जो कि 28 पेज यहाँ पे बुक आया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग 28 पेज नंबर पे चलते हैं तो ये 28 नंबर पेज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि जैसे ये 28 पेज है, उसके बाद जो कि इसमें 4 पेज है जो कि कलर का है, देखिए ये 4 पेज इसमें कलर का बुक है, यानी कि इसमें यानी टोटल ये 32 पेज हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो ये अरेंज होगा तो ये क्या होगा, 28 4 32 हो गया, 32 यानी कि सीधा सीधी फर्मा हो गया। तो ये बुक है जो कि अभी 32 पेज का, तो यानी कि ये है जो कि सेंटर स्टेज जाएगा, सेंटर स्टेज जाएगा, यानी कि इसमें काफी प्रॉब्लम ये है कि इसको दो सीट से प्रिंट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें अगर इस तरीका से अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सेट है जो कि इसका फोर कलर निकलेगा, उसके बाद है जो कि बाकी सब यहाँ पे सिंगल कलर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बुक का कॉस्टिंग भी यहाँ पे भाग जाएगा, और यहाँ पे जो कि प्लेट भी निकलेगा, प्रिंटिंग भी जाएगा, पेपर भी जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन तो किया तो इस पे आप जा सकते हैं, या आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इस बुक को सेंटर आप ना कर करके यहाँ पर जो कि आप इसको साइड स्टिच ले जा सकते हैं, तब बच जाइएगा। साइड स्टिच में आपको एक ही सेट से जो कि आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास है जो कि सब कुछ किए हुए हैं, यहाँ पर जो कि रिप कर दिए हैं दोनों, सिंगल कलर और फोर कलर सब जो कि यहाँ पे ला करके रिप कर दिए हैं, सब कुछ हो गया है। ये प्रॉब्लम हमको नजर आ रहा था तो सोचे आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं, कहीं आप भी इस तरीका के प्रॉब्लम को झेल रहे होंगे तो आप इस तरीका से बच सकते हैं। यहाँ से जो कि हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, हटाते हैं, और हम लोग नया यहाँ से टेम्पलेट उठाते हैं, टेम्पलेट बना करके हम रखे हुए हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो कि यहाँ पे बीच में हम लोग जगह दे देते हैं 0.2 का, यानी कि क्वार्टर इंच से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं, और यहाँ से जो कि हम लोग इसको इस तरीका से सेंटर मिला लेते हैं, ठीक है। और सेंटर मिलाने के बाद जो कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टोटल हम लोग का 8.5-11, यानी कि पैसा हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये सेंटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करेंगे सेडर, और यहाँ पर जो कि 28, ठीक है, 28 कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग ओके करेंगे, यहाँ से हम लोग ओके करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो कि हम लोग कुछ इस तरीका से एक बार मिला लिए हैं, यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ पे जो कि 28 से 25 है, और यहाँ से जो कि 1 से 4 है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ 24 से 21 है, यहाँ पे 5 से 8 है। अब यहाँ पर आ जाए 9 से 12 है, इधर से 20 से 17, यानी कि बीच में बच गया 13 14 15 16, 4 पेज रह गया। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद जो कि हम लोग यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे एडिट में, और यहाँ पे आने के बाद जो कि कीप करेंगे, और उसके बाद फिर एडिट में आएंगे, और यहाँ पे सेट करेंगे, और यहाँ से यस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे 13 14, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे जो कि अपना 16, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे, यस करेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे, अपने पास फर्मा जो कि बन के तैयार हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद रीचेक यहाँ से हम लोग कर लें, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से इसका पेज है जो कि यहाँ से उठाएंगे सिंगल कलर पहले, और सिंगल कलर को इस तरीका से हम लोग सेंटर करेंगे, और यहाँ से जो कि इस तरीका से इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना, सेंटर नहीं करके हमको साइड करना, तब बचने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, सिर्फ है जो कि हम आपको यहाँ पे बताएं कि आप सेंटर इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है, अगर 4 पेज आता है तो। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि हमको क्या करना, साइड स्टिच करना है ना। तो हम लोग फिर से हम लोग यहाँ से इसको नो करेंगे, कैंसिल करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ से आएंगे, और अपना जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट यहाँ से नया एक मतलब उसी को उठा लेते हैं,
फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अपना जगह देते हैं पॉइंट टू का, और यहाँ से जो कि हम लोग बाहर आ जाएंगे, और इससे जो कि हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से कर लेंगे। फिर से यहाँ से आएंगे, जो साइज है वो साइज रहने देंगे, यहाँ से हम लोग 28 करेंगे, यहाँ से परफेक्ट रहने देंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग साइड जा रहा है तो परफेक्ट रहेगा, यहाँ से ओके करेंगे। और यहाँ से एक बार एडिट करके आप यहाँ से देख ले सकते हैं कि आपको कौन से प्लेट पे सेट करना, तो वो प्लेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से डोमिनेंट सिलेक्ट किए हुए, और यहाँ से जो कि ओके कर लिया हम लोग को। यहाँ पर सारा काम हो गया 1 से 8, और यहाँ से जो कि 9 से यहाँ पे आपको 16 हो गया, और यहाँ से जो कि 17 से 24 हो गया। अब यहाँ पे जो कि हम लोग को लास्ट बच गया, यानी कि यहाँ से 25, 26, 27, 28, ठीक है, 4 पेज का देना है। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट पे आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एडिट में आएंगे, एडिट में आने वाला क्लिक करेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से जो कि हम लोग सेट करेंगे, यस करेंगे, यहाँ 25 करेंगे, 26 करेंगे, और यहाँ पे 27 करेंगे, और यहाँ पर जो कि 28 करेंगे, और यहाँ से जो कि हम लोग बाहर आ जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से चेक करेंगे 1 से 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ से जो कि 9 से 16 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। अब यहाँ से जो 25, 26, 27, 28, तो ये जो कि साइड स्टिच बुक अरेंज हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से जो कि जो अपना बुक है, वो बुक का जो कि यहाँ से जो नाम से वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से न्यू करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, और इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे। तो ये है जो कि बुक यहाँ पे हम लोग का अरेंज हो गया है, और इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से आ जाते हैं एक नंबर पे, यहाँ से फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे, और यहाँ पे आकर के रीचेक 4 पेज यहाँ पे हो गया लास्ट में। लास्ट पेज में कैसे पता चलेगा, 28 नंबर यहाँ पे है ना, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अपना सिंगल कलर में। और यहाँ पे जो कि हम लोग 28 नंबर पेज पे आएंगे, और देखेंगे कि ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोरोना का लास्ट पेज, ठीक है। अब इसको जो कि हम लोग यहाँ पे फाइनल सेव करेंगे, फिर से हम लोग फाइल में आएंगे, और यहाँ से जो कि सेव एज करेंगे, ठीक है, सेव एज कर करके यहाँ पे जो फाइल से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो इसका जो नाम से ये है बुक, वो नाम से जो कि इसको यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव कर लिया, अब यहाँ से जो कि हम लोग इसको फाइनल इसमें लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो कि सियान, मजेंटा, येल्लो हटा देते हैं, ब्लैक को यहाँ से हम लोग, ये जो कि यहाँ से आपको हरवर में आ जाएगा। और यहाँ से जो कि आप प्रीव्यू करके अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ से प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। फिलहाल है जो कि हम लोग यहाँ पर जो कि प्रीव्यू एक देख लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो कि इस पर डबल क्लिक किए, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इधर 8 नंबर हो गया। अब यहाँ से जो कि हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये पास होकर के यहाँ पे एक फोल्डर होता है, वो फोल्डर में जो कि ये यहाँ पे आ जाएगा। अब है जो कि हम लोग 4 पेज वाला को यहाँ पे देख लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आने के बाद फिर से हम लोग एक टेम्पलेट लेंगे, ठीक है। और ये टेम्पलेट लेने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे एडिट में यहाँ पे हम लोग जगह देंगे, जो जगह उसमें पड़ा था, ठीक है, हम लोग बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एडिट में आएंगे, जो साइज है जो रहने देंगे परफेक्ट रहने देंगे, यहाँ पे जो कि 4 पेज करेंगे, और यहाँ से जो कि हम लोग ओके करेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक बार रीएडिट कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद कीप करेंगे, यहाँ से जो कि सेट करेंगे पार्टीशन, उसके बाद यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे जो कि 4 नंबर, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग बाहर आ गए, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना सेटिंग बैठ गया। अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो कि 4 पेज कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और ये 4 पेज को यहाँ से उठा करके यहाँ फिर से हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सेव एज करेंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसका जो नाम से वो नाम से यहाँ पे सेव करेंगे, और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कलर, ठीक है, और यहाँ से जो कि हम लोग ओके करेंगे। अब यहाँ पर जो कि आप रीचेक भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन लग रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर पर आ जाइए, 1 नंबर पर ये है, ठीक है, सेंटर में लोगो है, और यहाँ से चेक कर सकते हैं, 2 नंबर पर ये है, ठीक है, 3 नंबर पर ये है यहाँ पे, और 4 नंबर पर ये है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अपना परफेक्ट है डी सेटिंग। अब यहाँ से जो कि हम लोग आउटपुट में जाएंगे, आउटपुट में जाने के बाद जो कि यहाँ से हम लोग यहाँ से आउटपुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कि 4 कलर है, 4 कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब ये 4 कलर यहाँ पे हर बार में आएगा। अब यहाँ से जो कि फिर इसी तरीका से जो कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल है जो कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो कि हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि अपना सेटिंग बैठ गया 29, 30,
31 32, ठीक है। और अब यहाँ से हम लोग इसको पास होने देते हैं, यानी कि अपना ओके है, ये पास हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जो कि ये पास हो चुका है, अब यहाँ से जो कि हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर करके हम लोग मशीन पे डालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए कि किस तरीके से जो कि आपके इस तरीके के अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आप इसको दूर कर सकते हैं और इस पे जो कि आप वर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी में, आई होप वीडियो कीजिएगा, मिलते हैं अभी में इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।